subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. रिजल्ट्स पे चलते हैं कि आज जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, सबसे पहला जो रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है वो सर्विस इंडस्ट्रीज का फुल ईयर का रिजल्ट था। फोर्थ क्वार्टर में 18.57 रुपये की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 4.54 रुपये का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये साल जो प्रॉफिट में गया है 29.37 रुपये की जो है वो अर्निंग आई है अनकंसोलिडेटेड, और 56.29 रुपये जो है वो इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग है। पिछले साल 37.73 रुपये की अर्निंग थी अनकंसोलिडेटेड और 58.40 रुपये की इनकी कंसोलिडेटेड अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 15% का डिविडेंड अनाउंस किया है और 100% के बोनस शेयर्स अनाउंस हुए। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 7.13 रुपये की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 5.35 रुपये की अर्निंग थी। ओवरऑल जो 2020 की जो EPS आई है वो 24.48 रुपये की आई है, पिछले साल 19.58 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट में 5 रुपये का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। हबीब इंश्योरेंस का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 25 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 11 पैसे की अर्निंग थी। तो फुल ईयर की जो इनकी EPS आई है वो 50 पैसे की आई है, लास्ट ईयर 57 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट में इन्होंने 50 पैसे का डिविडेंड अनाउंस किया है। PINL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 9 पैसे की अर्निंग है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 7 पैसे की अर्निंग थी। साल इनका ये भी लॉस में गया है, 2.32 रुपये का पूरे साल का लॉस है, पिछले साल 4.34 रुपये का लॉस में कंपनी खड़ी थी। पे आउट इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। एग्रीटेक लिमिटेड का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में इनका लॉस बढ़ गया है, 10.95 रुपये का लॉस आया है, पिछले साल 1.66 रुपये का लॉस था। पे आउट इन्होंने भी अनाउंस कोई नहीं किया। सरकंद शुगर मिल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 3.56 रुपये का लॉस रिपोर्ट किया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 42 पैसे का लॉस था। तो ओवरऑल इनका ये साल भी लॉस में गया है, 13.43 रुपये का पूरे साल का लॉस है, पिछले साल 3.51 रुपये की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो पाक जनरल इंश्योरेंस का था, फुल ईयर का रिजल्ट था इनका, फोर्थ क्वार्टर में 53 पैसे का लॉस आया है, पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 85 पैसे की अर्निंग थी। तो ओवरऑल साल ये भी लॉस में गया है, 90 पैसे का पूरे साल का लॉस है, पिछले साल जो है वो 42 पैसे के लॉस पे कंपनी खड़ी थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया।